अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पेंटोस के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने हेक्सोस के बारे में पढ़ा था। पेंटोस खुद कहता है कि मेरे में 5 कार्बन है। भाई कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। ये कह रहा है कि मेरे में 5 कार्बन है। तो पेंटोस भी हेक्सोस की तरह दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट हो जाता है। एक होती है एल्डोस फॉर्म, दूसरी होती है कीटोस फॉर्म। एक होती है एल्डोस फॉर्म, दूसरी होती है कीटोस फॉर्म। अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं, पहले बात C5H10O5 क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटोस, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम एल्डोस फॉर्म और कीटोस फॉर्म देखेंगे पेंटोस की, तो स्ट्रक्चर को बनाना होगा तो हमें 5 कार्बन पहले लेंगे, फिर उनकी नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और जिस पर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको सेकंड लास्ट कार्बन नंबर से जोड़ देंगे। तो जिसकी वजह से मेरे पास एक एल्डोस की, अगर हम एल्डोस फॉर्म लेंगे, अगर मैं एल्डोस फॉर्म लूंगा तो उसमें जो हमारे पास जो रिंग बनेगी वो बनेगी 5 मेंबर रिंग, और वो 5 मेंबर रिंग को क्या कहलाते हैं हम, राइबोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राइबोस कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम कीटोस लेंगे, इसको भी इसी तरह हम 5 कार्बन लेकर हम नंबरिंग करेंगे पहले से 1, 2, 3, 4 एंड 5, और जिस पर ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको हम लास्ट सेकंड लास्ट से जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर जो रिंग बनेगी वो 4 मेंबर्ड बनेगी एल्डोस फॉर्म, कीटोस फॉर्म में सॉरी, लेकिन एल्डोस फॉर्म में 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी जिसको हम राइबोस कहते हैं, और कीटोस फॉर्म में हमारे पास जो रिंग आएगी उसको हम रुबिलोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रुबिलोज, जो हम पढ़ते हैं रुबिलोज बिस्फास्फेट, ये वही रुबिलोज होता है। लेकिन ये राइबोज जो होता है, ये आप आगे देखोगे कि ये हमारे आरएनए में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन आरएनए, किसमें? आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।